नाश्ता करते समय ध्रुव को आया गुस्सा। ध्रुव ने छोड़ा नाश्ता। वेल दोस्तों, अगर हम बात करें सोनी सब के मोस्ट पॉपुलर शो ध्रुव तारा के बारे में, तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि बिरजू नाश्ता लगा रहा है, तभी वहां पे प्रयाग और उसके बाबूजी आ जाते हैं। बिरजू उनसे पहले ध्रुव का नाश्ता लगा देता है और थाली तैयार कर देता है ध्रुव की। ये देखकर प्रयाग और उसके बाबूजी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है। तभी बिरजू प्रयाग और उसके बाबूजी को ध्रुव का नाश्ता खिला देते हैं, लेकिन वो नाश्ता काफ़ी ज़्यादा तीखा और कड़वा होता है, जिसे खाकर प्रयाग और उसके बाबूजी का मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और तभी वहां पे अचानक से ध्रुव आ जाता है। तभी बिरजू वहाँ पे ध्रुव से बड़े मालिक के बारे में बात करते हैं और ध्रुव को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। ध्रुव जो है बिना नाश्ता किए ही टेबल पर से उठकर वहाँ से चला जाता है। ओ, 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 क्या बात है बिरजू बाबू, आज सूरज किस तरह से उगा है, हमारे आने से पहले ही नाश्ता तैयार। अरे भावना को समझिए छोटे मालिक, सूरज कभी भी गलत दिशा से नहीं उगता। ये नाश्ता तो ध्रुव बाबू के लिए है, आप बैठो। तो ऐसे कहिए ना कि भूख लगी है, अभी ले आते हैं गर्मा गर्म। बैठिए, लेकर आए। हमारी तो किसी में पड़ी नहीं है, अब घर के नौकर चाकर की उसकी चाकरी में रखे। मेरे होते हुए ना तेरा अधिकार किसी और को लेने नहीं दूंगा, समझा? अब चुपचाप मुंह खोल, खोल चुपचाप। तीखा पानी क्या मांग रहा है तू? अब चीनी के बतासे खिला दिया तुझे। अरे खाना तीखा है, पानी तो पानी। कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है तू? तीखा खाना कड़वा पानी? अरे पानी करे ले, पानी है बाबू। क्या हो गया ध्रुव को, है ना? कत्ता जाके ऐसा खड़ा खड़ा लग गया है, तीखा खाना कड़वा पानी। तभी जहर लग रहा है। तो तू तो काग खाना तीखा पानी कड़वा चाय नमकीन है, क्या हो रहा है इस घर में? मिट्टा मिट्टा खाओ ना कुछ। खुशी में आंसू बहा। अरे मैं तो तुझसे पूछ रहा हूँ, तुझे क्या हो गया ध्रुव? तो कैसा खाना खाने लग गया? तीखा खाना कड़वा पानी और चाय में बना। जब आप यहाँ नहीं थे ना, तो तालाब में बिना बिना पानी की मछली की तरह तड़पा करते थे हमारे बड़े मालिक आपके लिए, और आप है कि उन पे नाराजगी दिखाते हैं, नहीं अच्छा लगता हमको। छोटे बच्चे थे ना, आप ना कुछ समझो ना ध्रुव बाबू, बचपन में ना आपकी सांसें रुक गई थी, मानो जैसे बड़े मालिक की सांसें रुक गई हो। विलायत था कि इतने बड़े नहीं हो गए कि बड़े मालिक पे गुस्सा करेंगे आप। आपको जाकर नाश्ता करने आया था, ज्ञान से पेट भर गया।
ध्रुव बाबू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.